बीवी अगर शोर की इजाजत के बगैर अपने घर से बाहर निकले, अपनी माँ के या किसी और के घर पर बैठ गई और ना आ रही हो, तो शोर कितना इंतजार करे? अगर इसको जिना का डर हो तो और शोर की नाराजगी का क्या गुना होगा? ये तो क्यों गई है शोर से लड़के? ये तो शोर से मियाँ बीवी से पूछा जाए ना कि शोर ने अगर ज्यादती की है फिर गई है, फिर तो जाना हक है उसका। और अगर खामखा में गई है तो क्यों गई है खामखा में? फिर तो नाजायज है उसके बिला वजह जाना, अपने माँ के घर जाके बैठ जाना। शोहर को जिना का डर है तो अगर शोहर ने गलती की है, ज्यादती की है, तो उसे बीवी से माफी मांग ले, उसको बुलवा ले, माजरत कर ले कि भाई जो है मैं गुनाह में पड़ जाऊंगा, गलती भी मेरी थी, शोहर की गलती नहीं है, तो भी बुला ले। ठीक है, बाज दफा अपनी गलती नहीं होती तो भी इंसान थोड़ा सा इतना ऐसा जो थानेदार बनने की क्या जरूरत है? एक दूसरे की मजबूरियों से फायदा उठाना चाहिए और अपनी अपनी मजबूरी यानी एक दूसरे की मजबूरियों को समझना चाहिए इंसान को। तो अपनी भी मजबूरी होती है, बाज दफा अपने बॉस के सामने भी तो दब जाते हैं ना, बहुत सी चीजों में तनख्वाह मिलती है, तो बीवी से बहुत से ऐसी चीजें वाबस्ता होती हैं कि थोड़ा सा दबना भी पड़ता है इंसान को। और अगर ये समझते हैं कि नहीं मैं ले आया तो पहले से ज्यादा शैतान बन जाएगी। बाज दफा ये भी डर होता है कि अभी मैं माजरत कर ली तो बजाय हौसला करने के और तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। दूसरा ऑप्शन वही है जो मैं बताता रहता हूँ, वो तो वैसे ही है, वो लड़ाई झगड़ाई वाला नहीं है कि लड़ाई हो गई है तो आप करें। लड़ाई झगड़ाई में अगर करेंगे तो फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होगा, वो लड़ाई झगड़ाई वाला नहीं है, वो तो वैसे ही एक सुन्नत है, उसकी तो मैं वैसे ही तरगीब देता हूँ।